तो टीम देख रहे हैं आप, इन लोगों ने इतना बड़ा पूंजी का काम किया है, जो पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते हैं उनको डोली की व्यवस्था उन लोगों ने कराई है। ये सारे लोग पिछले कई दिनों से डोली व्यवस्था करके लोगों को जो पहाड़ पे चढ़ने में असक्षम थे, कैसा आप लोगों का ये अनुभव कैसा रहा? हम लोगों का अनुभव बहुत शानदार रहा, जो हमने व्यवस्था उपलब्ध कराई उससे जो सहयोग हमारी पूरी टीम ने दिया, मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूँ। साथ में स्वामी जी का जो आज आशीर्वाद मिला, तथा हजारों हजारों यात्रियों को हमारी वजह से जो भगवान बाहुबली का मत्स्य का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम इस पुनीत कार्य में कुछ हमारा सहयोग भी देने में कामयाब रहे हैं। वाह जिंदगी के श्री ललित जी को धन्यवाद देता हूँ। वाह जिंदगी। श्रवण बेल गोला महामस्तकाभिषेक 12 वर्षों के बाद ये संपूर्ण महामस्तकाभिषेक, जिसमें पूरे कंट्री से क्या पूरे विश्वभर से लाखों यात्री आए और भगवान का महामस्तकाभिषेक किया। यह मस्तकाभिषेक अभी 30 जून तक चलेगा, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था जिन्होंने भी दी उनमें हम लोगों की एक व्यवस्था रही है, वो है डोली व्यवस्था। जो बुजुर्ग लोग, जो असहाय हैं, जो रोगी हैं, वो किस कारणवश महामस्तकाभिषेक नहीं कर पाएंगे, वो है एकमात्र साधन डोली। सभी लोगों ने मिलकर इन सभी यात्रियों की सेवा करके उनको बैठाया, डोली तक ऊपर पहुंचाया और महामस्तकाभिषेक कराया। हम शुक्रगुजार करते हैं श्री स्वस्ति स्वामी जी का, जिन्होंने इस लायक हमें समझा, हमारे यहाँ सेवा करने का मौका दिया। और साथ में हमारी महिला विंग देख रहे हैं, आदरणीय कमल पारे जी की धर्मपत्नी जी भी साथ में हैं, और प्रमोद जी की धर्मपत्नी भी साथ में हैं, और महावीर जी की धर्मपत्नी भी साथ में हैं, और मनोज बागलीवाल जी की भी, सभी लेडी विंग ने पूरा सहयोग किया। सभी यात्रियों का मेडल बना के स्वागत किया, एक एक यात्री जो डोली में बैठ रहा था मेडल बना के हम स्वागत कर रहे थे, और सभी को पूरे सहयोग के साथ इस यात्रा का आनंद कराया, महामस्तकाभिषेक कराया।